खुशामदीद, स्वागत छे, भली करे आया, जी आया नू, पखैर रागले, नमस्कार, विश आहत, अहलन व सहलन, मरहबा। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है इस्तेहकाम, कंसिस्टेंसी, पेजिस्टेंस, और उसके वर्सेस है फ्यूरी एंड इंटेंसिटी। अल्लाह ताला ने अपनी दुनिया में हर किस्म की अमली मिसालें कायम कर दी हैं। मसलन इसने दरख्तों में दो किस्म के दरख्त बनाए, एक बेल और दूसरे बड़े बड़े फलदार दरख्त। बेल महीनों में फैलती है और फिर महीनों ही में खत्म हो जाती है। इट हैज द वेरी फ्यूरी एंड इंटेंसिटी। इसके बरक्स दरख्त सालों में तैयार होता है और फिर सालों और बाज़ औक़ात सदियों तक ज़मीन पर कायम रहता है। इसमें कंसिस्टेंसी एंड पर्सिस्टेंस पाई जाती है। इस तरह दो मुख्तलिफ किस्म की मिसालें खड़ी करके खुदा अपनी खामोश ज़बान में कह रहा है कि हम क्या तरीका अख्तियार करें, कंसिस्टेंसी या फिर इंटेंसिटी या फिर ये सदा आ रही है कि वो कौन सा तरीका अख्तियार न करें, कौन सा कामयाबी का रास्ता है और कौन सा नाकामी का रास्ता। कौम की तामीर के मामले में हमको चाहिए कि हम बेल की तरह न फैलें बल्कि दरख्त की तरह बढ़ने की कोशिश करें। बेल का ये हाल होता है कि वो आनन फानन बढ़ती है मगर चंद ही महीनों में सूख कर खत्म हो जाती है। इट स्टार्ट्स विद फ्यूरी एंड इंटेंसिटी। इब्तदाई में चाहे वो एक फरलांग तक फैली हुई नजर आए मगर आखिरकार वो कदमों के नीचे भी दिखाई नहीं देती। इसके बरक्स दरख का ये हाल होता है कि अगरचे वो साल साल के इंतजार के बाद तैयार होता है मगर इसकी जड़ें मजबूत होती हैं। वो जितना ऊपर दिखाई देता है इतना ही वो जमीन के अंदर भी छुपा होता है। वो सतह जमीन से गुजरकर इस गहराइयों से अपने लिए गिजा हासिल करता है। कोई दरख्त जब एक बार तैयार हो जाता है तो फिर वो 100 साल तक लोगों को अपना फल और अपना साया देता रहता है। किसी एतबार से भी वो लोगों के लिए नुकसान का सबब नहीं बनता, वो लोगों के लिए किसी किस्म का मसला खड़ा नहीं करता, उससे लोगों को सिर्फ फायदा ही मिलता रहता है। इसी तरह कौम की तामीर में इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी यानी इस्तेहकाम को मलहूज रखना जरूरी है। इस्तेहकाम के बगैर तौसी ऐसी ही है जैसे बुनियाद के बगैर मकान की तामीर। जो मामला दरख्त का है वही इंसानी जिंदगी का भी है। अगर आप ठोस और देर पा तामीर चाहते हैं
तो इसके लिए आपको सबर आजमा इंतजार के मरहले से गुजरना होगा और लंबे अरसे तक मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी। We take one example here. People make homes in very hurry and intensity for their children. अगर आप बच्चों का घर बनाना चाहते हैं तो फिर सुबह व शाम ऐसा घर बनकर तैयार हो सकता है। अलबत्ता ऐसी हालत में आपको उस हादसे का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जितनी देर में आपका घर बनकर खड़ा हुआ है इससे भी कम मुद्दत में दोबारा जमीन बुस हो जाए।